कर लिया था दिल अपना, कोई जरा पैसे लगा लेते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे, नियॉन और फिर जो टेबल लैंप होता है दोनों का मिक्सर, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेस तैयार कर लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए घूमते फिरते कहीं से चले आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, आर्ट से रिलेटिव सारा वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लेट ना करते हुए हम डायरेक्ट काम से स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 3 इंच का हम कटिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं, 8 इंच काफ़ी है, 8 इंच काफ़ी है ये। इसको बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्रेलिक कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए इस वाले ब्लेड से 5 mm का एक्रेलिक है, थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, कम से कम 4-5 बार कम से कम। स्ट्रिप लाइट, क्योंकि लाइट के बगैर तो हम लोग का काम अधूरा होता है। रंगा कहाँ गया, लाइट हम इसमें 4 mm का स्ट्रिप लाइट ऑफ वाइट कलर का यूज कर रहे हैं। ऑफ वाइट थोड़ा सा सिंपल सोवर होता है। इधर सी ए भी हो गया, माइनस प्लस देख करके सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार नियॉन देख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दाग होता है कटिंग करने का, थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको काट लेना है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। इसके बाद ब्लेड से आपको पीछे साइड से इसे निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ये पार्ट को निकाल के फेंक देना है। इसके बाद में इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्डिंग हो जाने के बाद ना नियॉन में इस तरीके से अंदर में ग्लू स्टिक भर देंगे ना, तार टूटेगा भी नहीं, और फ्यूचर में अगर इसको बाहर कहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ भी ठीक ठाक हो जाता है। अब ये एक्रेलिक को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एक्रेलिक पे। ये एक्सपेरिमेंट टाइप का वीडियो है, हो सकता है अच्छा भी लुक आएगा और हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। बॉन्ड्स इसका चिपका लेते हैं इसको, तो अपना लाइट तो लग गया है। और यहाँ पे नियॉन थोड़ा सा मोटा हो गया था ना ये वाला, इसके लिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से इसको फैला लिए हैं। इसको अब चिपका लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में हम इसको स्प्रे मार देते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। ये सूखेगा जब तक हम इस पर प्लॉटर भी कटिंग करेंगे अभी, और प्लॉटर कटिंग करके इस पर नाम भी लिखेंगे। तो अब आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे प्लॉटर से कुछ कटिंग करने वाले हैं। उससे पहले दिल बना लेते हैं, दिल अभी फाइल है नहीं, डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगेगा।
दो गोल ले लिए हैं, ट्राइंगल ले लिए हैं, इसको भी खींच तीर करके इस तरह से दिल बना देंगे। हो गया दिल के जैसा। अब इसको सिर्फ कॉर्नर बेंड कर लेंगे यहाँ से। कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम जो है फ्रोस्टेड इचिंग है इसमें यूज करने वाले हैं कटिंग के लिए। तो जो लोग इस मशीन के बारे में नहीं जानते हैं ना, इस मशीन का अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, देख लीजिएगा। अगर घर बैठे मंगवाना भी चाहते हैं तो उसकी आप वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पहले एरिया चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्लॉटर कटिंग मशीन से अपना कटिंग हुआ है फ्रोस्टेड इचिंग, इसको ग्लास इचिंग भी बोल सकते हैं, ग्लास इचिंग ही है। एटीएम ओटीएम में आप देखते हैं ना पट्टा सा लगा हुआ रहता है, वही वाला है। इसको हम यहाँ पे चिपका लिए और देखिए जो जो कटिंग हो गया ना ये यहाँ पे बह जाएगा, ये देखिए। और इस जगह पे हम ये रेड कलर में भी कटिंग कर लिए थे दिल अपना, इसको चिपका देते हैं दिल के ऊपर। तो बस आगे बढ़ा के चिपकाएंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर डायरेक्ट भी चिपका सकते हैं, ऐसे देखते हैं। ये हो गया ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट देखने का बारी है। वायर को हम इधर से इधर पार कर लेते हैं इस जगह से। वायर निकल चुका है और अब इसको इस जगह पे ऐसे लगा लेते हैं, इसको इस जगह पे ऐसे लगा लेते हैं। तो अब बारी आता है इसका फाइनल लुक देखने का। यहाँ पे हम लगाते हैं कोड और ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक्सपेरिमेंट किए हैं, अच्छा भी लग सकता है लेकिन ठीक ठाक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से अगर आप किसी को गिफ्ट बना करके देते हैं ना अपने हाथों से, कमाल का लुक आने वाला है। करना क्या है, एक्रेलिक आपको लाना है, कहीं से नियॉन लाना है, और ये प्लॉटर मशीन आपके पास में नहीं भी है तो कहीं से कटिंग करवा के लाके चिपका लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिएगा जरूर से। और मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।